हाई एवरी वन गुड मॉर्निंग दिस इज़ शिवांगी देसाई हेल्थ कोच आज बेली फैट के बारे में बात करेंगे जो आपको परेशान करता है काफ़ी सालों से शायद कुछ लोगों को डिलीवरी के बाद मैनो की वजह से या कोई ना कोई रीज़न की वजह से बेली फैट बढ़ चुका है मेल है फीमेल है सेवन टिप्स दूंगी जिसकी वजह से बेलीफैट आपको मैं पंद्रह दिन अगर ये सात यू नो टिप्स फॉलो कर ली पंद्रह दिन में आपको गारंटीड कुछ रिजल्ट मिलने वाला है आपके इन चीज़ कम होने ही वाले हैं बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मैंने सबसे पहले जब ज्वाइन जिम यू नो जिम ज्वाइन किया था उस वक्त मेरा सबसे पहला जो पर्पज़ था ना वो था कि मुझे बेनीफिट कम करना है और मैंने एक साल डेडिकेटेडली जिम किया बट मेरा बेली फैट कम नहीं हुआ मेरा ओवरऑल वज़न कम हो चुका था उसके बाद मुझे लगा कि बेली फैट कम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता बट उसके बाद मैंने काफ़ी स्टडी किया मेरे क्लाइंट्स मेरे पार्टिसिपेंट्स सभी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने सीखी वो जब उन्होंने अपनाया उसके बाद ड्रास्टिक रिजल्ट मिले थे उनको बेली फैट कम हुआ था कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी तरह मुझसे भी ज़्यादा पतले थे यू नो फोर्टी किलो वेट था बट उनका बेली बहुत ज़्यादा था उनको सिर्फ बेली कम करना था और ओवरऑल वेट को यू नो मेंटेन करना था या बढ़ाना था उसमें भी अगर हम कामयाब हुए उसका मतलब सिंपल था कि बेली फैट कम करना बहुत आसान है सिर्फ कुछ सिंपल से मिस्टेक्स है जो हमें बंद करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें शुरू करनी पड़ेगी एक कंसेप्ट समझ लीजिए फ्रिज आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आप जो भी हर रोज़ खाना पकाते हैं वो खाने में जो आपको ज़रूरत है वो ख़त्म कर देते हैं खाना और जो बच जाता है उसे आप कहाँ रखते हैं बच जाता है उसे आप रखते हैं फ्रिज में कि बाद में कभी शायद काम में आएगा कल सुबह वो जो बचा हुआ चावल है उसका हम कुछ कर देंगे या तो रोटी बची है तो वो उसे किसी को खिला देंगे या खुद खा लेंगे सो so बेसिकली हम करते ये हैं कि बचा हुआ खाना हम फ्रिज में डालते हैं अब इमेजिन कीजिए कि वो फ्रिज हम खाली ही ना करें हम हर रोज़ जो बचा हुआ खाना है जो एक्स्ट्रा बना हुआ खाना है वो सिर्फ फ्रिज में ही डालते रहे तो क्या होगा फ्रिज ओवरलोड होते रहेगा खाने की वजह से सिमिलरली हमारा बॉडी भी यही करता है हम जो ज़रूरत से ज़्यादा और गलत चीज़ें जो खा लेते हैं उसकी वजह से बॉडी जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो ज़रूरत नहीं है उसे अपने फ्रिज में स्टोर करके रखता है और उसका फ्रिज क्या है मैक्सिमम लोगों के लिए वो है आपका बेली कुछ लोगों के लिए हिप्स है कुछ लोगों के लिए थाइज है बट मैक्सिमम लोगों के लिए वो बेली है क्योंकि अब बेली का जो आपका एरिया होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है उसे आप जैसे चाहे ना उसे बढ़ा सकते हैं अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा सो so, यहाँ ये और कुछ नहीं है आपका फ्रिज है और फ्रिज के अंदर वो सारा कचरा पड़ा हुआ है जो लास्ट कुछ महीनों से कुछ सालों से आपने एक्स्ट्रा खाया हुआ है उसे अब बाहर निकालना है सो so, हम फ्रिज में क्या करेंगे हाथ से वो जो कचरा है बाकी का खाना है जो ज़रूरत नहीं है वो हम साफ कर देंगे प्रॉब्लम ये है कि हम हाथ अंदर नहीं डाल सकते हैं अपने पेट में और वो बचा हुआ खाना डाल नहीं सकते हैं डस्टबिन में उसके लिए क्या करना सबसे पहली टिप आपको आपका ऑयल और फैट इनटेक चेक करना पड़ेगा आप जो ऑयल और फैट खाते हैं गलत तरीके का उसे चेंज कर दीजिए नंबर वन रिफाइंड ऑयल को बंद कर दीजिए रिफाइंड ऑयल अगर आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है उसे बंद कर दीजिए क्योंकि आप कितना भी हेल्दी ईटिंग करेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ बट आप जो ऑयल में कुकिंग करते हैं ना उसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं होगा तो अगर आप कोई भी किस्म का रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं आज ही बंद कर दीजिए कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए अन रिफाइंड ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए कच्ची घानी का जो तेल आता है उसे यूज़ करना चाहिए कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल यानी कि यू नो कोकोनट आप जानते हैं मस्टर्ड सरसों का तेल या सेसमी uh, तिल का तेल या उसके अलावा आप इवन ऑलिव ऑयल कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल यू नो होता है बिकॉज सेचूरेटेड फ़ैट काफ़ी कम है सो so बेसिकली आप जिस एरिया में है इवन ग्राउंड नट ऑयल सिंग तेल जिस एरिया में है उस एरिया में देखिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है और आपने अपने बचपन में कौन सा ऑयल खाया हुआ है आपका कल्चर क्या है उस सभी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा ऑयल यूज़ करना है बट उसका अनरिफाइंड वर्जन अनप्रोसेस्ड वर्जन यूज़ कीजिए कोल्ड प्रेस्ड वर्जन यूज़ कीजिए नेचुरल कच्ची घाने का ऑयल और दूसरा बहुत ऑयल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है मेरे क्लाइंट जब मुझे यू you नो know, मेरे साथ बात करते हैं और मुझे बताते हैं क्या क्या खाते हैं फोटो मैं देखती हूं तब पता चलता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम ज्यादा इस ऑयल इस्तेमाल नहीं करते बट एक्चुअली काफ़ी ज्यादा होता है सो चेक कीजिए क्या कम ऑयल से काम चल जाएगा इफ़ यस डोंट यूज़ मॉर ऑयल एंड सेकेंड फैट बिल्कुल बंद कर दीजिए ट्रांस फैट किस में होगा मैक्सिमम जो पैकेट वाले खाने और बाहर का खाना आप खाते हैं इवन रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं ज्यादातर में आपको ऐसा फैट मिलेगा जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बहुत बुरा है आपको पता है ट्रांसफैट और प्लास्टिक में सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फर्क होता है सो so, बहुत डेंजरस है डोंट हैव ट्रांसफैट और ऐसा फैट खाइए जो हेल्दी फैट है सो रिफाइंड ऑयल छोड़कर अनरिफाइंड ऑयल यूज कीजिए दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट जो है वो है एड मोर प्रोटीन टू योर डाइट प्रोटीन क्यों ऐड करना है देखिए जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तब आपके बॉडी में एक सटाइटी हार्मोन रिलीज़ होता है पी वाई वाई पैप्टाइड वो जब रिलीज होता है उसकी वजह से आपको ऐसा फीलिंग आएगा ओके ओके मुझे काफ़ी फुल फीलिंग आ चुका है तो आप एक्स्ट्रा जो रोटी खा रहे थे एक्स्ट्रा जो पोहा उपमा या खिचड़ी खा रहे थे वो कम खाएंगे क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है और बेस्ट पार्ट ये है लंबे समय तक भरा रहेगा आपको भूख नहीं लगेगी जब आप ज्या कम यू you नो know, प्रोटीन खाते हैं कम प्रोटीन खाने की वजह से आपका बॉडी क्रेव करेगा चीज़ों को तो आपको बीच बीच में है ना चिप्स खाने की इच्छा हो जाएगी चॉकलेट खाने की इच्छा हो जाएगी आपको ऐसा लगेगा मैंने तो सिर्फ इतना ही खाखरा खाया था मैंने तो सिर्फ इतना टोस्ट ही लिया था एक ही लिया था बट वो एक पूरे दिन में पूरे महीने में थोड़ा 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 जब कंबाइन होता है ना तो बेली फैट बढ़ेगा कम बिल्कुल नहीं होगा एडमॉर्न प्रोटीन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपके दाल सो so मूंग, चना राजमा छोले जो भी फलिया है, जो भी कड़ धानियाँ आप खाते हैं उसे ऐड कर दीजिए आपके एरिया में जो मिलता है सारी चीज़ें ऐड कीजिए सोयाबीन बेस्ट चीज़ है अगर आप वेजिटेरियन है अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन सो so बेसिकली आपके एरिया में जो मिलता है इस्पेशली आप पनीर ले सकते हैं टोफू ले सकते हैं जो आपको पसंद है वो लीजिए बट ऐड प्रोटीन टू योर डाइट थर्ड चीज़ एड मोर फाइबर याद है मैंने कहा था फ़्रिज में आप हाथ से खाना बाहर निकाल सकते हैं आपको पता है आपके बॉडी में अगर कचरा साफ़ करना है पुराना वाला तो वो झाड़ू का काम कौन करता है वो करता है फाइबर फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में एक्चुअली डाइजेस्ट होता ही नहीं है बट वो दो काम इम्पॉर्टेंट करता है पहला वो आपके अंदर जो गट फ्लोरा है जिसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया है उसका वो खाना है तो आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा जब आप फाइबर खाते हैं तो और दूसरा उसका काम है कचरा निकालना कचरा साफ करना वो झाड़ू का काम करता है तो पुराना वाला जो फ़ैट है ना मेनली आपके बेली में जो फैट ज़्यादा दिखता है जो लटक रहा है साइड में से बीच में से वो फैट होता है वाइसरल फैट वाइसरल फैट बहुत डेंजरस है वाइसरल फैट जब बढ़ता है यू नो आइडियली आपका काफ़ी कम होना चाहिए लोगों का है ना आ, यू you नो know, मैंने देखा है 25-25 परसेंट -25 होता है मेरा वाइसरल फैट काफ़ी कम है जैसे यू you नो know, होना चाहिए उससे भी कम है आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इम्प्रूविंग वाइसरल फ़ैट मेरा सिर्फ तीन परसेंट है मुझे छः परसेंट पर लेकर जाना है एटलीस्ट चार परसेंट पर लोगों का 25 परसेंट होता है बीस परसेंट होता है और वो वाइसरल फैट जब बढ़ जाता है बहुत मुश्किल आ जाती है टाइप टू डायबिटीज, हार्ट रिस्क सारा रिस्क बढ़ जाता है अलग अलग लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है सो एड मोर फाइबर अगर आप उसे दूर रहना चाहते हैं फाइबर कहाँ से मिलेगा आपको फाइबर मिलेगा सैलड में से सो कच्ची सब्जियां जो आप खाते हैं कच्ची सब्जियां एज इन आप यू नो थोड़ा उसे सॉटे कर सकते हैं थोड़ा स्टीम कर सकते हैं जो आप कच्चा नहीं खा सकते उसे बाकी जैसे टम टमेटो है गाजर ककड़ी बीट ये सारी चीज़ें आप कच्ची खाइए तो उसमें से फाइबर मिलेगा प्लस आप जो प्रोटीन खाते हैं ना उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ों में से फ़ाइबर मिल जाता है जैसे कि दाल है फलिया है वो सारी चीज़ों में से एड फाइबर एक और चीज़ चौथी चीज़ जो आपको ऐड करनी है वो है मैक्सिमम जो आपको फ़ायदा देगा मैक्सिमम मतलब आप ये आज से शुरू कीजिए विल सी द रिजल्ट इन सेवन डेज मैक्सिमम और वो है कार्डियो ज़्यादा कीजिए कार्डियो वास्कुलर एक्टिविटी एरोबिक एक्टिविटी एरोबिक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हाँ, हाँ, ऐसी जो आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है आपकी सांसें फुल जाती है ऐसी सारी एक्टिविटी कीजिए कौन कौन सी है वॉकिंग रनिंग जॉगिंग स्विमिंग साइकिलिंग बैडमिंटन खेलना यू you नो know, कोई भी स्पोर्ट खेलना आउटडोर ऑफ कोर्स वो आपको एरोबिक एक्सरसाइज देने वाला है आपकी हार्ट लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला है कार्डियो की वजह से बेली फैट में मैक्सिमम रिजल्ट मेरे क्लाइंट्स में मैंने देखा है कार्डियो बढ़ा देते हैं ना बेली फैट आसानी से कम हो जाता है सो जो पसंद है एक रूटीन बना दीजिए कार्डियो ऐड करना है ज़्यादा एक और चीज़ छठी पांचवी चीज़ जो आपको ऐड करनी है वो है आपको रिफाइंड कार्ब्स को छोड़ के अन रिफ़ाइंड अनप्रोसेस्ड मली, मली प्रोसेस्ड आप कार्ब्स खाइए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए कार्बोहाइड्रेट बुरे नहीं हैं हम कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है जो टाइप है वो गलत चूज़ करते हैं इसीलिए लोग कार्बोहाइड्रेट को बुरा गिनते हैं तो अगर आप रिफ़ाइंड काव्स खा रहे हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठने के बाद टी एंड टोस्ट आपने नाश्ता कर लिया दोपहर को गेहूँ की रोटी खा ली और सब्जी खा ली शाम को आपने सिर्फ यू नो वाइट राइस खाया सिर्फ वाइट राइस खाया सो so, वाइट राइस में प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम क्या है कि हम जब सिर्फ वही खाते हैं सिर्फ रोटी ज़्यादा खाते हैं तो ओवर ईटिंग होना ही होना है और जब एक्स्ट्रा काव्स बॉडी में चला जाता है स्पेशली रिफाइंड काव्स तो उसका ग्लूकोज बनता है बॉडी में और ग्लूकोज जब इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका फैट बन जाता है या ट्राई बन जाता है इसीलिए सिंपल काप को छोड़ के यानी कि रिफाइंड काप को छोड़ के अनरिफाइंड काब खाइए अनरिफाइंड रिफाइंड या कॉम्प्लेक्स काप क्या होते हैं तो बेसिकली आप जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं वो तो है ही है उसी के साथ साथ पल्सेस एंड लेंटस दाल फलियां, कड़ वो सारी चीज़ें खाइए या आप लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राइस खाते हैं तो कभी कभी ब्राउन राइस भी खाइए ऐसा नहीं है हर बार ब्राउन राइस खाना हर बार वाइट राइस खाना चेंज करते रहिए आपके बॉडी को सुनिए आपको पता चलेगा कहाँ गलती कर रहे हैं सो दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट सिक्स पॉइंट जो है वो है आपको वेट ट्रेनिंग ऐड करनी है मैं हर सुबह हर सुबह नहीं बट हफ्ते में तीन दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह आठ से साढ़े आठ लाइव वर्कआउट करवाती हूँ मेरे पेज पर फिट भारत पर क्यों क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो शायद जिम में नहीं जा सकते हैं या पता नहीं एक्सरसाइज कैसे करना वो आप कर पाए वेट ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है बिकॉज जब आप वज़न कम करने की कोशिश करते हैं फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं तब आपको साथ में एक मेहनत भी करनी है और वो है आपको मसल गेन भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर मसल गेन नहीं किया और वेट लॉस हुआ तो काफ़ी नुकसान होगा आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी सो एट द सेम टाइम वेट ट्रेन कीजिए वेट ट्रेन कैसा करना है मैं हर बार जो अपर बॉडी लोअर बॉडी जो एब्स वगैरह वर्कआउट करवाती हूँ जो बॉडी को रेजिस्टेंस फील होता है यानी कि अपने आप को पुश करना पड़ता है जिसमें आप वॉकिंग रनिंग जॉगिंग वगैरह नहीं करते बट आप एक ही जगह पर रहकर जो वेट उठाते हैं या तो अपने बॉडी का या तो बाहर से उसे कहते हैं वेट ट्रेनिंग वो बढ़ाइए 150 फिफ्टी मिनट्स आइडियली अगर आप करते हैं हफ्ते में दैट विल बी ग्रेट ऑसम लास्ट चीज़ सेवन चीज़ जो आपको करनी है वो है वेरी पावरफुल आपके ब्रेन का डी और वो है स्लीप क्वालिटी स्लीप पे फोकस कीजिए फैट बर्निंग तब नहीं होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं फैट बर्निंग तब होता है जब आपको आप रात को सो जाते हैं तब आपका बॉडी जो है ना वो रिपेयर मैकेनिज़म में लग जाता है तो अगर आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं बट सोते नहीं हैं तो आपके बॉडी में से ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे यू नो आपके इस्पेसली कॉटिजॉल जिसकी वजह से दूसरे दिन पर आपको भूख ज़्यादा लगेगी आपने जो एक्सरसाइज की होगी उसे डबल आप खाना खा लेंगे तो डबल नुकसान हो जाएगा एक तो एक्सरसाइज भी करेंगे और आप सोचेंगे जो आपको आई एम श्योर फील हुआ ही होगा मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मैम मैं तीन तीन साल से एक्सरसाइज कर रही हूँ बट मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा मेरा तो बेनिफिट उतना का उतना ही है क्यों क्योंकि हम जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो सामने बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं स्पेशली लोगों को रात को नींद नहीं आती नींद नहीं आती तो आपका अलग अलग हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है डिटेल में मेरे बी आर डॉक्टर वर्कशॉप में मैं सिखाती हूँ लोगों को कि कौन कौन से हारमोन डिस्टर्ब हो जाते हैं स्लीप कैसे लेना सारी चीज़ें बट आप क्या कर सकते हैं वो देखिए वाट इज़ द बेस्ट वे यू कैन गेट सेवन टू एट आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप एवरी डे सोते वक्त विचार नहीं आना चाहिए सेवन टिप्स ये फॉलो की अगर आपने कौन कौन सी फिर से बता देती हूँ सबसे पहला रिफाइंड ऑयल छोड़ के अनरिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए कोल्ड प्रेस और ट्रांस फैट को बिल्कुल ना मत अपने बॉडी में डालिए प्रोसेस चीज़ों के द्वारा दूसरा हमने देखा प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर दीजिए हर एक मील में होना चाहिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मील जो है मेन मील्स उसमें प्रोटीन कंपल्सरी होना चाहिए तीसरा फाइबर ऐड कीजिए वो एक झाड़ू का काम करता है आपका पुराना जो कचरा है फैट है उसे वो दूर करेगा चौथी चीज आपको कार्डियो ऐड करना है और कार्डियो रेगुलर बेसिस पर करना है पाँचवा रिफाइंड काब को छोड़ के अनरिफाइंड कॉम्प्लेक्स लीजिए जिसकी वजह से आप जो खा रहे हैं वो लंबे समय तक रहेगा आपके पेट में और आपको ज्यादा ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा छठी चीज़ आपको वेट ट्रेनिंग ऐड करनी है सातवीं चीज आपको स्लीप क्वालिटी पे फोकस करना है ये सात चीज़ जरूर कीजिएगा और एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली हूँ जो सबका बाप है ओके बेली फैट अगर कम करना चाहते हैं और अगर इसे दूर नहीं किया तो आप कभी भी बेली फैट को कम नहीं कर पाएंगे वो बताऊँ उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ मेरा एक नया वर्कशॉप आ रहा है सोमवार से शुक्रवार अगले सोमवार से शुक्रवार सेकेंड टू सिक्स ऑफ नवंबर मैं पहली बार लॉन्च कर रही हूँ सच अ पावरफुल वर्कशॉप क्यों क्योंकि अगेन आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं उसमें एक मेजर सवाल रहता था स्किन का फेस का आप कोई भी इंसान को पहली बार जब मिलते हैं सबसे पहला फेस देखते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं फ़ेस के साथ रिलेटेड होता है हम मसल्स को तो काफ़ी स्ट्रेंथन कर दिए सुबह मैं आठ से साढ़े आठ एक्सरसाइज करवाती हूँ कौन से मसल अपर बॉडी लोअर बॉडी वगैरह बट ये मसल्स को कौन स्ट्रेंथन करेगा पहले के ज़माने में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी थी आज इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि फिफ्टी से भी ज़्यादा मसल्स हमारे फेस में होते हैं नेक में होते हैं बट उसका हम इस्तेमाल आज गलत तरीके से कर रहे हैं जिसकी वजह से यू नो झुर्रिया आ जाना गलत जगह पर या डार्क सर्कल्स आ जाना यहाँ पर लाइंस जिसे डिप्रेसर्स कहते हैं ये वाले जो मसल्स है वो डाउन हो जाना आंखें जो है वो नीचे आ जाना क्यों क्योंकि ग्रेविटी वर्क करता है स्ट्रेस वगैरह उसकी वजह से क्या होता है हमारे फेस में जो बुढ़ापा चालीस साल पर आना चाहिए था आज लोगों को तीस साल पर आ रहा है प्री मैचोर एजिंग हो चुका है स्किन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोग पता नहीं क्या क्या क्रीम और कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं हैं कोई एंटी एजिंग क्रीम की आपको जरूरत नहीं है कोई आप कोई ऊपर से क्रीम लगाएंगे आपका ऊपर का जो स्किन है सिर्फ उसके ऊपर रहता है वो डीपरेस लेवल पर आपके स्किन को क्योर नहीं कर सकता है मैक्सिमम क्रीम सो नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए नेचुरल ऐसा तरीका जो घर में ही आप आसानी से अपने स्किन को जो ओरिजिनल स्किन जो आपके अंदर दबा हुआ है जो है सिर्फ वो सप्रेस हो चुका है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से उसे बाहर निकालना पड़ेगा बस स्किन टोन इवन करना या रिंकल को हटाना बहुत आसान है या उसे थोड़ा रिवर्स करना आसान है डिपेंडिंग ऑन योर एज कंप्लीटली जा तो नहीं सकता है अगर आपकी उम्र ऐसी हो चुकी है बट उसे हम जरूर यू नो रिवर्स कर सकते हैं डिले कर सकते हैं आपके स्किन टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली इस एरिया में जो ओरिजिनल आपका ग्लोइंग चेहरा है आपका जो ओरिजिनल यू नो फ्लॉलेस स्किन है ब्यूटी है उसे कैसे बाहर निकालना उसका वर्कशॉप है इसका नाम है फेस योगा ऑनलाइन वर्कशॉप सेकेंड टू सिक्स नवंबर में रात को शाम को नौ से सवा दस सवा सवा घंटे पाँच दिन तक आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल से फ़ेस योगा टेक्निक बारह मिनट की फ़ेस योगा टेक्निक जो हर रोज़ आपको करनी है चौदह दिन में आप फ़र्क देखेंगे आपकी स्किन में उसमें फ़ेस योगा फ़ेस मसाज लिम्फेटिक ड्रेनेज और एक्यूप्रेशर चारों का कॉम्बिनेशन है लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ अ पावरफुल टेक्निक आपका टॉक्सिन जो होता है अलग अलग जगह पर जमा हो जाता है उसे कैसे दूर करना उसका एक टेक्निक है सो so, ज़रूर जुड़िएगा मैं ज़रूर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी फिट भारत के पेज के ऊपर भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर फ़ेस लिंक है अभी भी जा सकते हैं फेस योगा डॉट फिट भारत मिशन डॉट कॉम सिंपल सा लिंक है वहाँ पर जाके आप ज़्यादा जानकारी भी पा पाएंगे और कैसे रजिस्टर करना वो भी आपको पता चलेगा यू नो पिगमेंटेशन या जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं ना येस पिगमेंटेशन आपके जाएंगे नहीं कम्प्लीटली कोई भी चीज़ मैं गारंटी नहीं देती कि कम्प्लीटली जाएगी बट वो लाइटन हो जाते हैं सो so, जब आपके यू नो ट्वेल्व मिनट फेस योगा करेंगे वो लाइटन होगा पिगमेंटेशन और कुछ लोगों में जो यू uh, नो you know, इतना ज़्यादा इम्प्रूव इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है पिगमेंटेशन उनका चला भी जाता है सो so, आपकी एज क्या है कितना सीवियरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बट यस आपका लाइट जरूर हो जाएगा पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल जो भी है डबल चिन जो पूछ रहे हैं यस एब्सोल्युटली डबल चिन भी इसमें आप उसमें तो आपको गारंटी रिजल्ट मिलेगा डबल चिन बहुत ईजी है यू uh, नो you know, आपके नेक को थोड़ा सा मसाज मैं सिखाती हूँ उसमें कैसे करना आसानी से हो जाएगा डू अटेंड दैट लास्ट फार्मूला बेली फैट का जो मैंने बताया आपको वो सिंपल है जो सबका बाप है और वो है स्ट्रेस जब तक स्ट्रेस लेना बंद नहीं करेंगे जितनी बार मिरर में देखते हैं डोंट थिंक कि यार इतना बड़ा फ़ैट इतना ज़्यादा फैट मैं कब पतली होंगी मैं कब पतला होंगे कब मेरा फैट जाएगा स्ट्रेस की वजह से मैक्सिमम बेली फैट बढ़ता है स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जब बात आती है आपके फैट की ओके सो ट्राई कीजिए कि पूरे दिन में कैसे रिलैक्स रह सके स्ट्रेस से दूर रह सके सात टिप्स मैंने आपको दी है जरूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होता है आज बेली फैट को दूर करना उनका जवाब वो पा सके आसानी से और ज़रूर लोगों के साथ भी आप शेयर कीजिए आपने जो सीखा है ताकि आप भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके अगर फिट भारत को यू नो पेज को लाइक नहीं किया है डू लाइक इट सो दैट आप रेगुलरली मेरे ऐसे ही वीडियोस और वर्कआउट सेशंस अटेंड कर पाए थैंक यू सो मच एवरीवन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो शार्प एट ओ क्लाक हम बेलीफेट के लिए ही वर्कआउट करने वाले हैं कल शाम को फैट के लिए वर्कआउट करेंगे जिसमें मेल फीमेल कोई भी एज के आसानी से कर पाए वैसे वर्कआउट में आपको बताऊँगी सी यू टुमारो गाइस गाइज